हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआरएल क्राफ्ट। आज मैं आपके साथ इस तरीके की टिक्की शेयर कर रही हूँ। मैं साइड में उसका पिक लगा दूंगी। अगर आप थालपोस या टेबल मैट बनाते हैं तो किस तरीके का लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्लिप नोट बनाऊंगी और 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बनाएंगे हम, और यहाँ पर जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। अगर यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम इसको हाइड करते हुए 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाकर 1 2 2 और बनाएंगे हम। 2 हमारे ऐसा जो है डिस्टेंस होगा। अगेन इसमें हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 2 चैन लेकर अगेन 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमने 1 और 2, ये जो गैप हैं वो 8 टाइम करने हैं। तो मैं देखिए इस तरीके से करके 2 2 चैन लेकर हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, तो ये हमारा स्पेस बन के रेडी होता जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गए हैं, 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। और अगेन मैं यहाँ पर 1 और 2 2 की चैन बनाऊंगी। और जो हमने ये 5 की चैन बनाई थी, इसकी 1 2 3rd वाली चैन पर हम इसके जॉइंट कर देंगे। 2 चैन हमारी एजा डिस्टेंस होंगी जो हमने सभी चैन डबल क्रोशिए के अंडर से लिया है। इस तरीके से देखिए कितने प्यारे ये सर्कल बन के रेडी हुआ है। अब हम ये 2 की जो चैन बनाई है इसमें आएंगे और 3 की चैन बनाएंगे। अगेन 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाया है और 3 की चैन है। टोटल हमारे 4 हो गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 4 यहाँ पर मेरे हो गए हैं। 1 चैन लेंगे, अगेन नेक्स्ट 2 चैन स्पेस में जाएंगे और 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 4 टाइम डबल क्रोशिया बना दिया है। देखिए इस तरीके से 1 चैन स्पेस लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। तो इसी तरीके से सभी स्पेस में हमने 1 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाकर रेडी करना है। तो देखिए मैंने इसमें 4 4 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ इस तरीके से। अब मैंने 1 चैन बना ली है। स्टार्टिंग जो 3 की चैन बनाई थी मैं इस पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो ये मेरा सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगेन हम 3rd राउंड पर जाएंगे, तो 1 2 3 चैन लेंगे और ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं, 1 चैन थी और 3 डबल क्रोशिया, चैन के ऊपर चैन आ गया, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 इस तरीके से देखिए। अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन बनाएंगे। 1 लेकर अपने इस वाले जो 4 डबल क्रोशिया हैं इन पर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 and 4 इस तरीके से ये हो गया है। 1 2 3 4 5, अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट इस पर जाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से ये हमारे ये वाला जो स्पेस है ऐसा हमारा कॉर्नर वही काम करेगा। तो हमारा 1 कॉर्नर हो गया है। 2nd कॉर्नर बनाएंगे हम 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैन बनाएंगे और फिर से हमने अपने ये 4 डबल क्रोशिए पर वर्क करना है। 1 टाइम 2 3 4 इस तरीके से। अब हम अब ये नहीं 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और इस वाले 4 डबल क्रोशिए को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ये हमारा पहले सर्कल था, अब स्क्वायर का इसका रेस हो जाएगा। देखिए ये 2 कॉर्नर हो गए हैं। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैन लेनी है। 11 चैन लेनी है, ये 1 2 3 4
फोर, ये फोर हो गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन लेकर हम इस वाले फोर डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से देखिए। अगेन हमारे देखिए यहाँ पर वन टू थ्री राउंड हो गए हैं, और थ्री राउंड होने के बाद यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन कर लिए हैं हमने। इस तरीके से बल लेंगे अपने इस वाले फोर डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर। अब ये फोर डबल क्रोशिया हो गए हैं, ये कॉर्नर हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन लेकर जो हमने स्टार्टिंग में थ्री की चैन बनाई थी उस थ्री की चैन के टॉप पर हम जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये एक टिक्की बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप अगर जोड़ना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको इसका पिक लगा दिया है, लास्ट में भी आपको पिक दिखा दूंगी। जब आप जोड़ेंगे तो ये जो जोड़ेंगे देखिए यहाँ से जोड़ना स्टार्ट होगा, तो हम फाइव बनाकर, इसमें इलेवन है, फाइव बनाकर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर सिक्स वाला नहीं बनाएंगे, अगेन फाइव चैन बनाएंगे। फिर से हमने यहाँ पर, यहाँ पर हमने टू चैन बनाकर ज्वाइंट करना है फाइव वाले में। अगेन ये सेम प्लेस, सेम तरीके से प्रोसेस रहेगा। अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको बूटी जोड़ना बताऊंगी। मैंने बहुत सारी बूटियां आपको जोड़कर बता रखी हैं। तो कैसा लगा ये थारपोस की टिक्की का डिजाइन बताना ना भूलना। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें आगे की वीडियो देखने के लिए। बहुत जल्दी मैं इस चैनल पर लड्डू गोपाल जी की पोशाक, जैकेट डिजाइन, बेबी जैकेट डिजाइन, बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाली हूँ। तो क्या आप पसंद देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो चलिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।